तो ये व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट की सीरीज। तो यार आप सभी यहाँ पे देख लो पहले, तो ये देखो हमारा फार्म बन चुका है, मतलब कि फार्म और ये पशुपालन जिसे कहते हैं, आई थिंक सो हिंदी में, इंग्लिश में वर्ड नहीं दे रहा है, ब्रीडिंग फार्म भी बोल सकते हैं। तो ये देखो मैंने ये सारा ऑफलाइन में प्रिपरेशन किया, बट एनीवेज आज हम करने वाले हैं स्ट्रिप माइनिंग। बट आप सभी को, बहुत सारे जनों को पता होगा कि स्ट्रिप माइनिंग कैसे किए जाते हैं, बट मैं उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल की स्ट्रिप माइनिंग करने आ रहा हूँ। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, और जिसको भी नहीं मालूम है वो भी देखो एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस एपिसोड को। तो फ्रेंड्स, माइनक्राफ्ट में ना क्या सबसे ज़्यादा डायमंड्स 12 पोजीशन पे मिलते हैं, तो मतलब कि सबसे नीचे। तो यार यहाँ पे कैसा है गाइस कि आपको पोजीशन नहीं पता है तो आपको बता दूँ कि लेफ्ट साइड जो ऊपर की पोजीशन दिखाई दे रही है ना, मतलब कि लेफ्ट साइड ऊपर पोजीशन बोल के एक दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 113 है, 63 है। तो आप सभी को क्या करना है, सिंपली जो बीच में का 63 है वहाँ पे गौर करो। ये देखो अभी मैं एक ब्लॉक पे चढ़ता हूँ तो 64 होता है और यहाँ पे 63। तो आप सभी को क्या करना है, एक जगह चुननी है जहाँ पे आप माइन करना चाहते हैं, और वहाँ पे ना क्या स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट खोदना है जैसे मैंने यहाँ पे देखो खोदा है। और जब तक आप बीच में 12th नहीं आता तब तक आपको खोदते ही रहना है। यहाँ पे मैंने लैडर लगा दी थी, अभी ये देखो 32 28 24। हाँ अभी ये देखो। तो फ्रेंड्स जैसे ही 12th पोजीशन पे आप आए ना, तो आपको क्या करना है, ये देखो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है स्ट्रिप माइनिंग का। तो पहले बता दो, कन्फ्यूज ना हो, तो आपको कौन सी भी एक डायरेक्शन चुननी है। अभी ये मैंने स्ट्रेट डायरेक्शन चुनी थी पहले, तो आपको क्या करना है ऐसे स्ट्रेट खोदना है। ये देखो ऐसे आपको दो दो ब्लॉक के स्ट्रेट ऐसे ब्लॉक खोदने हैं आपके मर्जी से, थोड़ा सा अंतर लेके जाओ पहले स्टार्टिंग में, और ऐसा नहीं कि आपको खोदना है। अभी क्या करना है, फिर से वापस जो पोजिशन पे जैसे मतलब कि जहाँ से आप आए थे वहाँ पे जाओ, और एक दो तीन तीन ब्लॉक छोड़ के ऐसी और एक स्ट्रिप बनाओ, और उसके सामने भी ऐसी स्ट्रिप बनाओ। यहाँ से क्या होता है, हम कम से कम टाइमिंग में ना क्या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, और 12 पोजीशन पे सबसे ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं, तो स्ट्रिप जो माइनिंग रहते हैं इसमें ही सबसे ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं। तो अपना लक ट्राई करते हैं कि मिलेंगे क्या नहीं। तो फ्रेंड्स आपके मन में एक डाउट होगा कि हम ये कब तक खोदते रहेंगे ऐसे स्ट्रेट ऑफ लाइन, तो यार ये आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड रहता है, क्योंकि आप कितना खोदना चाहते हो, क्योंकि आप 200 ब्लॉक भी खोद सकते हो, 300 ब्लॉक भी खोद सकते हो, तो यार पूरा का पूरा आपके आपके ऊपर डिपेंड है। तो यार मैं प्रेफर करूँगा कि 50 ब्लॉक तो खोदो, अगर 50 ब्लॉक तक डायमंड मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आपको क्या करना है दूसरे माइन में जाके 50 ब्लॉक खोदना है। अब यहाँ पे भी नहीं मिला आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दो ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे ऐसे दो ब्लॉक के माइनिंग करने। सो आज का लग हमारा भी ट्राई करते हैं, हम यही माइनिंग करने वाले हैं, अगर डायमंड मिला तो ठीक भाई, क्योंकि हमें डायमंड की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जिनको भी नहीं पता कि डायमंड क्यों चाहिए, तो यार डायमंड से नहीं क्या सबसे ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि हथियार बनते हैं माइनक्राफ्ट में। तो अपना भी लग स्टार्ट करते हैं और माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये सबसे पहले माइनिंग यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं अपने माइनिंग की तरफ। ऐसे टॉर्च लगनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें लैपिस मिल चुका है, ओहो फर्स्ट माइनिंग में लैपिस बहुत अच्छा है भाई। एक नहीं है आई थिंक सो, कितने हैं, अरे अरे इधर भी है, बहुत लैपिस है। अच्छा ये लैपिस बहुत काम के आते हैं इंचैंटमेंट के लिए, मैंने पहले भी बता दिया है। अरे क्यों कलेक्ट नहीं कर रहा मेरा, और डायमंड मिल गया, इतनी खुशी मुझे। ओ डायमंड मिल गया भाई, क्या ही गलत। तो गाइस ये देखो फर्स्ट ही स्ट्रिप में हमें डायमंड मिल चुका है भाई, कितना मिलेगा भाई। यहाँ पे लावा है भाई, स्केलेटन की भी आवाज आ रही है। ओहो भाई कितना है भाई, कितना है कितना है कितना है चाहिए, आई नीड 8 तो भी मिलना चाहिए। नहीं भाई ये खोदता नहीं मैं। ओहो और भी नीचे, अरे 8 है लगता, आई थिंक सो 8 के जा सबसे ज़्यादा 8 ही मिलता है। ओ नहीं आई थिंक सो, कितना है मुझे पता नहीं, देखेंगे अपन।
सो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 डायमंड। ओ हो, ओपी, खोदो। अरे एक सेकंड भाई, मुझे क्या, अरे ये नहीं चाहिए मुझे, डायमंड दे। यस, अरे 5 ही मिले क्या? अरे 5 ही मिला आई थिंक, सॉरी सॉरी मेरी कैलकुलेशन गलत है भाई। फर्स्ट स्ट्रिप में हमें डायमंड मिले, ये देखो। तो फ्रेंड्स इसीलिए कह रहा था मैं कि स्ट्रिप माइनिंग करते जाओ। ये देखो स्ट्रिप माइनिंग से कितना अच्छा हमें मिल चुका है भाई। ये पहले ढक लो अभी। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, बहुत सारे डायमंड मिले, ऑलमोस्ट 20 डायमंड्स मिले हमें, और 5 और ऊपर से मतलब कि 6 स्टैक्स रेड स्टोन और लैपिस भी मिला, और 16 डायमंड भी मिले। तो यार बहुत ही असरदार ये ट्रिक है, और ये ट्रिक मुझे रिकामा सैंडिन ने बताई थी, और भाई दिल खुश कर दिया आज तो। पूरे माइनिंग करके बहुत ही मज़ा आया। आपको छोटा सा ट्रेलर मिला, बट क्योंकि यार बहुत वर्क करा मैंने, आई थिंक सो 10 12 माइंस स्ट्रिप कर ली थी। और आपको क्या करना है, सीधा और भी बढ़ाना है ना, तो बस ये बढ़ाओ इधर का साइड, और 2 ब्लॉक छोड़ के ऐसे बनाते जाओ। तो यार यहाँ पे बहुत सारे जन बोलते हैं कि भाई तूने क्या किया होगा कि क्रिएटिव में जाके वहाँ वहाँ पे डायमंड के ब्लॉक रख डाले होंगे। तो यार उनके लिए एक मैं बताता हूँ कि मैंने सर्च में ये सर्वाइवल में किया है या फिर क्रिएटिव में किया है। तो यार ये देखो सेटिंग में गया मैं, और यहाँ पे क्रिएटिव दबाया, तो ये देखो क्या आ रहा है, अचीवमेंट्स आर ओनली अवेलेबल इन वर्ल्ड सेट टू बी सर्वाइवल मोड। अभी ये आप पूरा पढ़ लो आराम से पॉज करके, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या है यहाँ पे। जब भी कोई प्लेयर फर्स्ट टाइम क्रिएटिव करता है ना वर्ल्ड में, तो ये नोट लिख के आती है। इसमें रहता है कि अगर तुमने क्रिएटिव कर लिया तो तुम्हारे जो अचीवमेंट्स रहती वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कि उसके बाद आपने सर्वाइवल भी किया ना तो आपको अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी। तो यार ये फर्स्ट टाइम आता है जो भी क्रिएटिव से मतलब कि सर्वाइवल से क्रिएटिव करता है। तो यार इससे प्रूफ होता है कि ये मैंने पूरा का पूरा नहीं किया, सर्वाइवल में ही किया है। तो यार वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करो यार, और नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत असरदार ट्रिक है, और दोनों साइड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं क्या राइट साइड ही बहुत सारे मिल रहे, तो मैंने बोला कि राइट साइड ही कर लेते हैं। और दोनों साइड करो, आपको बहुत सारे डायमंड्स मिलेंगे। ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता, बट एक ट्रिक है कि इससे जल्दी से डायमंड्स मिल सकते हैं आपको। बट बस इतने के लिए, आज के लिए बस इतना ही, वही बोल रहा हूँ, नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ट्रिक पसंद आए तभी भी सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज की वीडियो कैसे लगी। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अलविदा, पीस आउट। क्या वो खत्म हुई ताकत ले गुल कौन डी जड़ा मेरे नाल पंगा लवे ओ दी मल्टी टैलेंटेड जख्मों पे बैंडेड फोटो में कैंडेड पूरा।